अपने विचार को शुद्ध करिए। विचार शुद्ध करने के लिए हमने आश्रय लिया किसका? प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करने का निश्चय किया। किसकी वंदना करेंगे हम? भगवान के चरणों की वंदना करेंगे। पहले हमने किनकी वंदना की? गुरुदेव के चरणों की। वंदं गुरु, गुरुदेव की वंदना की। और उसके बाद किसकी वंदना करेंगे? संतों की वंदना। और संत का मतलब ये नहीं कि जिसने ये वस्त्र पहने हैं, ये तो हमारी यूनिफॉर्म है। जैसे आपकी यूनिफॉर्म है, ऐसे ही हमारी भी यूनिफॉर्म। सब पुतले हैं, आड़ मास के अंतर्निहित भाव होता है। कुछ आलोकित, उज्जवल आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। स्वभाव में साधुता, कईयों के स्वभाव में ही दुष्टता होती है। वो बदलते नहीं कभी। कपड़े बदल लेंगे, नाम बदल लेंगे, जगह बदल लेंगे, माथा रंग लेंगे, लेकिन जो बदलना है वो नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? स्वभाव। स्वभाव चिपक जाता है। आपके माँ के गर्भ से लेकर 8-9 वर्ष तक आप बन जाते हो, फिर वो नहीं छूटता। बहुतों के जीवन में कपट भरा रहता है, कुटिलता भरी रहती है। अब उस कपट और कुटिलता के जहर को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाए? कुछ तो साधन होगा ना। मटमैले पानी की बाल्टी भरी है, क्या किया जाए? क्या किया जाए? शुद्ध पानी के जल के नल को खोल दीजिए और नीचे बाल्टी रख दीजिए और भूल जाइए बाल्टी को। फिर थोड़े घंटों बाद देखोगे तो सारा मटमैला पानी बाहर और पूरी बाल्टी शुद्ध जल से भर गई है। इसी तरह अपने हृदय की बाल्टी को ठाकुर जी के गुणानुवाद की प्रवाह में छोड़ दीजिए, फिर देखिए कि सारी कुटिलता और कपट बह जाएगा। करुणा, प्रेम, स्नेह, आनंद अंतर में भर जाएगा। तो सत्संग वो सलिल है, सत्संग वो धार है, सत्संग वो प्रवाह है। प्रभु राम का और मेरे घनश्याम का, मेरी भगवती सर्व मंगला। मेरी शिष्या एक बोली, दीदी माँ आप हैं क्या? हमने कहा क्यों भाई, मेरे पे क्यों शक कर रहे हो? बोले श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में आपने रामलला के लिए कितना काम किया। राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, और राम जी का काम करना है, राम जी का काम करना है। कंकर कंकर शंकर इसका प्राण, प्राण में गीता है जीवन की धड़कन। रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ऐसी ऐसी आपकी भावधारा। फिर आपने भगवान की भागवती कथा करना प्रारंभ कर दिया। अयोध्या के महात्मा मुझे बोले, रितंबरा हम तो सोचते थे तुम हमारे पाले की हो, तुमने पाला बदल लिया। तो वो मेरी शिष्या बोली कि दीदी माँ गीत गाती रहती हो घनश्याम के, और काम करती हो राम जी का, और मंदिर बनाने लगी हो भगवती सर्व मंगला का, तो कन्फ्यूज हैं क्या आप? मैंने कहा हम तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं। मेरे राम मेरे श्याम दो सत्ता है ही नहीं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन कदाचित दोनों के चारु चरितों का चिंतन करती हूँ। और जब वो मानव होकर धरती पर आते हैं और अपने अभीष्ट प्राप्त करने के लिए साधना में तत्पर होते हैं, रावण पर जय करनी है, लंका पर विजय पानी है, आर्य संस्कृति का विस्तार करना है, तो आवाहन भगवती जगदम्बा का करते हैं। कमल, नील कमल अर्पित करते करते प्रभु श्री राम सहस्र नील कमल चरणों में अर्पित करने हैं। अब पता चला कि सहस्र कमल अर्चन करते करते जगदम्बा के चरणों का प्रभु ने देखा कि एक पुष्प कम हो गया, तो उनको लगा सारा जगत मेरे नेत्रों को कमल कहता है। कमल नेत्र राम,
क्या हुआ? भगवती के चरणों का अर्चन संपन्न होना चाहिए। क्या हुआ अगर एक पुष्प कम हो गया? उन्होंने जैसे ही बाण उठाकर अपनी आंख निकाल के माँ के चरणों में समर्पित करने के लिए उद्यत हुए तो भगवती जगदम्बा शक्ति पराम्बा उनके सम्मुख प्रकट हो गई। बोली, रुको राम, मुझे आपकी अर्चना स्वीकार है, मुझे आपका स्तन स्वीकार है, मुझे आपकी प्रार्थना स्वीकार है, विजयी भव राम। और ऐसे ही भगवान कृष्ण जगदम्बा की आराधना करते दिखाई देते। मुझे तो कोई भेद लगता ही नहीं। एक ने कहा, दीदी माँ ये गले में तो ठाकुर जी विराजमान है, फिर ऊपर से रुद्राक्ष की माला पहनी। उन दिनों हमने तुलसी की भी माला पहनी थी। हमने कहा मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ, संप्रदायों में बटना उचित नहीं है। राम मेरे, शिव मेरे, भगवती मेरी, गणपति भी तो मेरे हैं। जयपुर कभी कभी जाना होता है तो ठाकुर जी के चरणों में भगवान गणपति बड़े से अद्भुत दृश्य है, लड्डू खा खा के बड़े हो गए हैं वो। तो हम लवन भास्कर की डिब्बी ले जाते थे कि थोड़ी चाट लीजिए, जरा राहत मिलेगी। अद्भुत है भगवान के चरणों की शरण, अद्भुत है। कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, एक ज्योत है सब दीपों में, एक ही का नजारा है। वो कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी शिव और कभी रुद्र, कभी गणपति, कभी पवन सुत हनुमान। और मेरे हृदय में तो सभी नाचते हैं, सभी अटखेलियां लेते हैं। सर्वमंगला के चरणों में जाती हूँ ऐसे मंद मंद मुस्कान, देखिए कैसे मुस्कराती है। फिर मुख से निकलता है सर्वमंगला माँ,